ये स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिनिंग आयर प्रीवियस चैप्टर एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मोड ऑफ चार्जिंग टू डेप्रिशिएशन ठीक है हम मेथड्स देखने वाले हैं दैट बाय वे ऑफ क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एस नो अपन ने लास्ट क्लासेज में देखा है डेप्रिसिएशन अकाउंट मशीनरी अकाउंट कैसे बनाते हैं अपन देखते हैं कि अगर मशीनरी को अपन डेप्रिसिएट करते हैं बट अगर अपन बनाते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट दो कैसे बनाते हैं ये चीज सीखते हैं ठीक है तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर द कॉस्ट ऑफ अ मशीन इज रूपीज़ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इट्स यूजफुल लाइफ इज टेन ईयरस एंड एट द एंड ऑफ टेंथ ईयर स्क्रैप वैल्यू वुड भी ट्वेंटी थाउजेंड सिंपल डेप्रिसिएशन आप निकाल सकते हैं वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड मशीन की कॉस्ट प्राइस है ट्वेंटी थाउजेंड स्क्रैप वैल्यू यानी अल्टीमेटली अपने पास लॉस कितना होगा वन लाख रुपीज़ का तो अपन टेन इयर्स तक लेके जाएंगे तो टेन थाउजेंड पर ईयर हमको रिड्यूस करना पड़ेगा ये अपन नॉर्मली सोच सकते हैं लाइन पढ़ के अपन को इतना समझ में आया आगे okay. द मशीन इस परचेज ऑन फर्स्ट जनवरी फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन को परचेज की द अकाउंट आर क्लोज ऑन थर्टी फर्स्ट डिसंबर टू थाउजेंड सॉरी थर्टी फर्स्ट दिसंबर को अपने अकाउंट क्लोज होते हैं सो वी नीड टू प्रिपेयर आर असेट्स अकाउंट ठीक है अपन को अकाउंट कौन सा अकाउंट बनाने बाय चार्जिंग टू असेट्स अकाउंट एंड बाय चार्जिंग प्रोविजन फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएट्ड्स अकाउंट चार्ज करके तो ये तो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं अपन को जो कॉन्सेप्ट सीखना है वो सेकेंड है कि बाई जॉब क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिए अकाउंट तो लेट्स इसको डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सबसे पहले आपको असिड्स अकाउंट बनाना है तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जैसे आप असीड्स अकाउंट बनाने वाले हैं तो आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है अब वन वन सिक्सटीन को अपन ने पर्चेस किया तो टू कैश अकाउंट कितने का परचेस किया वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड अब एक बात याद रखिए पहले अपन क्या कर देते थे यहाँ पर बाय डिप्रिसिएशन लिख देते थे तो असीड्स तो की वैल्यू रिड्यूस हो जाती थी और जो भी होती थी वो आ जाती थी बट अपन क्या कर रहे हैं अब अपन बना रहे हैं ना जो असीड्स अकाउंट उसके अंदर अपन ये काम कर रहे हैं कि अपन प्रोविजन क्रिएट कर रहे हैं यानी कि अपन एक सो सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं प्रोविजन का क्या कर रहे हैं सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं तो पहले अपन असीड्स अकाउंट बनाते हैं असेड्स अकाउंट में अपन को बोल रखा है आ, हमारे पास वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का असेट्स है कोई दिक्कत नहीं है थर्टी फर्स्ट दिसंबर को उसकी बैलेंस वही रहने वाली है बाय बैलेंस कैरी डाउन वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड अकाउंट अपन ने क्लोज़ कर दिया अब अगर अपन मान लो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बना रहे हैं तो अब आप समझिए जैसे प्रोविजन फॉर डिप्रिशिएशन अकाउंट हमको दे रखा है तो क्या दे रखा है प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन कैसे बनाएंगे बेटा तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हम सबसे पहली चीज़ जो स्टार्टिंग होगी वो उसकी जनरल एंट्री से होगी जनरल एंट्री क्या बनाते हैं डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर यानी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में कौन सी साइड आने वाला है ठीक है क्रेडिट साइड क्योंकि जनरल में डेबिट साइड है तो जनरल एंट्री क्या होती है टू प्रोविजन फॉर डेशन तो जनरल एंट्री बना देते हैं सॉरी लेजर में पोस्टिंग कर देते हैं बाय डेप्रिसिए अकाउंट कितने रुपए टेन थाउजेंड कैसे मालूम पड़ा तो वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड माइनस ट्वेंटी थाउजेंड जो स्क्रैप वैल्यू थी टेन इयर्स तक गया तो टेन थाउजेंड एक साल का डेप्रिसिएशन मिलता है फिर दोनों साइड टोटल करेंगे तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस ईडी टेन थाउजेंड पहले अपन क्या कर देते थे पहले अपन अपन आप, मशीनरी या एसेट्स के अकाउंट में क्रेडिट लिखते थे अब अगर, अगर अपन बात करते हैं नेक्स्ट ईयर की तो नेक्स्ट ईयर में क्या होगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का बैलेंस एज इट इज कॉपी हो जाएगा और वापस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड का बैलेंस चलता रहेगा ठीक है इसमें सिंपल सी बात यह कि असेड्स अकाउंट में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ठीक है कब फर्क पड़ेगा तो तब पड़ेगा जब अपन असेड्स को डिस्पोज करेंगे तब ठीक है सो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड और बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना होगा वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड कोई दिक्कत नहीं है अब अपन बनाते हैं हमारी बात करते हैं डेप्रिसिएशन की तो डेप्रिसिएशन के लिए क्या होगा लास्ट ईयर का टेन थाउजेंड था कैरी हो क्या गया तो टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बन गया ट्वेंटी थाउजेंड और बाय बैलेंस सॉरी गलत बोल दिया मैंने आपको आ, ये क्रेडिट साइड का था तो टू बैलेंस कैरी डाउन था वो एक्चुअली मेरे को मशीनरी ध्यान रहा हो तो मैंने उल्टा बोल, बोल दिया टू बैलेंस कैरी डाउन अपना क्लोजिंग था तो लाइबिलिटी साइड में क्रेडिट साइड में यानी ओपन हो जाएगा तो बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन हो जाएगा टेन थाउजेंड और नेक्स्ट अपन ने करंट ईयर का डप्रिसिएशन कितना लगाना है तो कुछ नहीं बोल रखा है यानी अपन स्ट्रेट लाइन चाह फॉलो करेंगे तो टेन थाउजेंड डेप्रीसीन जो आता है वह ही जाएगा थर्ट से थर्टी फर्स्ट दिसंबर टू थाउजेंड सेवेंटीन को बाय डेप्रिसिएशन टेन थाउजेंड कर देंगे अभी इधर टोटल करेंगे ट्वेंटी थाउजेंड इधर बैलेंस कितना बच जाएगा ट्वेंटी थाउजेंड टू बैलेंस कैसे निकला है तो बैलेंसिंग फिगर के थ्रू होप यू गॉट आपको समझ में आई होगी ये बहुत सिंपल है बस इसमें ये है कि असिड अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट जो है वो मर्ज हो जाते हैं दैट्स इट अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है डिस्पोजल अकाउंट से रिलेटेड तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं ठीक है तो प्रीवियस क्वेश्चन के भी लॉजिक्स इसमें लगेंगे है ना ये ध्यान रखिएगा आगे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे सुरेंट तो डर परचेज ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सिक्सटीन और मशीन डी फोर रुपीज़ फोर लैख रुपीज़ कितने रुपए की मशीनरी परचेज़ की फोर लाख ये अपन को समझ में आ गया फर्स्ट प्राइस ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सिक्सटीन एंड एडिशनल मशीनरी डी वॉज परचेज फोर रुपीज़ टू लैख मतलब वापस से एक और मशीन लेके आ गए टू लैख रुपीज़ की एक जुलाई को एक ही सेशन के अंदर दो मशीन आ गई कोई दिक्कत नहीं जो फर्स्ट वाली है उस पर पूरे ईयर का डिप्रिसिएशन लगेगा और जो सेकेंड वाली है उस पर हाफ सेशन का लगेगा ऑन फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन द मशीरी परचेज ऑन फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन बिकम ऑप्सरेट एंड वो सोल्ड फॉर रुपीज हर लाइक सिक्सटी थाउजेंड जो मशीन थी वो क्या हो गई पुरानी हो गई तो अपन ने दे दी कब दे दी अपन ने दी है जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन में यानी डेढ़ साल के अंदर ही मशीन दे दी तो इस पर डिप्रिसिएशन लगा देंगे डेढ़ साल का कोई दिक्कत नहीं डिप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ टेन परसेंट पर एनम ठीक है पर एनम बोल दिया यानी कि पूरे साल के लिए टेन परसेंट होता है तो आधे साल के लिए फाइव परसेंट हो जाएगा और मंथ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर ईच ईयर ठीक है ऑन दी ओरिजिनल कॉस्ट यानी ये पढ़ के हमको क्या समझ में आ गया कौन सी मैथड फॉलो करना है एस एल एम स्ट्रेट लाइन मैथड ठीक है फिक्सड इंस्टॉलमेंट मैथड जिसको आप बोलते हो अपन को बनाना है मशीनरी अकाउंट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट अब आपने ये तो सीख रखा है मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डे अब ये क्या होता है तो ये एक नया सा कॉन्प्ट है असेट्स डिस्पोजल अकाउंट इसमें क्या होता है हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी अपन असेट्स को डिस्पोज कर रहे हैं असेट्स को दे रहे हैं तो उसी असेट्स की इन्फॉर्मेशन आती है और उसी टाइम में ही ओपन होकर क्लोज हो जाता है दैट्स इट तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं मशीनरी अकाउंट तो क्वेश्चन में जैसा बोल रखा है वैसी चीज़ें डालते जाते हैं तो देखिए सबसे पहले मैंने बना रखा है मशीनरी अकाउंट ठीक है तो मशीनरी अकाउंट में आपको बताऊँ उससे पहले आप लोग ध्यान रखिए कि हम फर्स्ट ईयर की हर ईयर की स्टार्टिंग करेंगे है ना एक मिनट यस ठीक है सबसे पहले अपन फर्स्ट ईयर की बिगनिंग करते हैं तो मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं तो मशीनरी अकाउंट क्या बोलता है तो मशीनरी अकाउंट बोलता है कि सबसे पहले कैश में परचेज़ किया तो लिख दिया अपन ने ठीक है अपन ने लिख दिया क्या और सॉरी टू बैलेंस क्यों लिखा मैंने टू कैश अकाउंट आएगा ना अपन ने परचेज किए टू कैश लिख दो टू कैश अकाउंट फोर लैख रुपीज़ ठीक है फोर लैख की मशीन परचेज़ की फिर वन सेवन सिक्सटीन को वापस से परचेज़ की तो टू कैश अकाउंट टू लैख रुपीज़ अल्टीमेटली कितने का परचेज हो गया सिक्स लाख कोई सेल किया क्या नहीं किया ये हमेशा याद रखिए कि मशीनरी अकाउंट जो होगा वो कॉस्ट प्राइस पे बनेगा पे बनेगा कॉस्ट प्राइस यानी कि इसमें जो ओरिजिनल कॉस्ट है बस वही चलती रहेगी हर साल तक बाय बैलेंस सीडी बैलेंस कैरी डाउन कर दिया सिक्स लाख रुपीज़ कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट ईयर हो गया अब अपन अगर बात करते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन की तो ये देख लिया मैंने नेक्स्ट पेज पे बना रखा है ठीक है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन बनाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे हम सबसे पहली चीज़ कि हमने डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो हमको डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो लिख, लगाएंगे क्या एंट्री क्या बनती है डिप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन यानी कि बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट साइड में फर्स्ट अट्स जो हमारा था वो फोर लैख रुपीज़ का था तो फोर लाख का टेन परसेंट कितना होता है फोर्टी थाउजेंड तो मैंने इंटरनली लिख दिया है फोर्टी थाउजेंड और टू लैख रुपीज़ का टेन परसेंट कितना होता है ट्वेंटी थाउजेंड बट अपन हाफ ईयर का ही लगाएंगे तो ट्वेंटी थाउजेंड का आधा हो जाता है टेन थाउजेंड अल्टीमेटली डिप्रिसिएशन कितने का लग गया फिफ्टी थाउजेंड दैट्स एड ये ध्यान रखना है. और टू बैलेंस ईडी भी कितना हो गया फिफ्टी थाउजेंड और यहाँ पे टोटल मैच होकर बैलेंस निकल गया ये तो हो गई फर्स्ट ईयर की बात अब अपन बात करते हैं किसके बारे में सेकेंड ईयर तो सेकेंड ईयर के बारे में जैसे ही हम बात करते हैं तो आप देखिए ये रहा सेकेंड ईयर ठीक है सेकेंड ईयर में क्या करेंगे तो प्रीवियस ईयर का बैलेंस सबसे पहले कॉपी करो तो देखो पिछले साल का बैलेंस सिक्स लाख था फर्स्ट जनवरी टू थाउजेंड सेवेंटीन को बैलेंस हो तो गया सिक्स लाख रुपीस अब हो गई दिक्कत क्या दिक्कत हो गई कि हमने जुलाई के अंदर असिड्स दे दिया तो हमेशा याद रखिए बच्चों जब भी हम असिड्स ऐसी वाली मैथड फॉलो करते हैं जब अपन डिस्पोजल अकाउंट बनाते हैं तो ध्यान रखिए जब हमने असिड्स दे दिया तो जो भी हमने असिड्स दिया है ना उसको अपन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करने वाले पहले अपन क्या करते थे बाय कैश बाय डेप्रिसिएशन सब कुछ क्रेडिट साइड में लिख देते थे तब तो असेड्स अपन दे रहे हैं तो अपन उसको कॉस्ट प्राइस पर क्या करने वाले लिखने वाले क्रेडिट साइड पे लिख दिए बाय असीड्स डिस्पोजल अकाउंट अब ये एक नया अकाउंट खुल जाएगा क्या होगा इसका नाम बाय असीड्स डिस्पोजल अकाउंट यानी कि बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं हमारे पास से असेड्स दे रहे हैं और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं असेड्स डिस्पोजल यानी इतना सेपरेट पार्ट के लिए एक नया अकाउंट बना दिया तो जनरल एंट्री हो जाती है असिड्स डिस्पोजल अकाउंट डेबिट टू असीड्स अकाउंट यानी मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट डेबिट यहाँ पे आप असीड्स की जगह मशीनरी है ना तो मशीनरी डिस्पोजल बना लीजिए कोई दिक्कत नहीं ठीक है बाय मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट अब ये चीज़ तो हमने फर्स्ट एंट्री कर दी कितने रुपए से फोर लाख रुपए से एसेट्स दे दिया अब और कुछ बेचा है क्या नहीं बेचा है तो अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं कहाँ पे उसी डेट पे यहाँ पर अब अपन बना लेंगे असीड्स डिस्पोजल अकाउंट हमेशा याद करिए ये अमाउंट कॉपी होगा वहाँ पे क्रेडिट था तो यहाँ पे डेबिट होगा ये अमाउंट हमेशा कौन सी प्राइस से कॉपी होगा कॉस्ट प्राइस से तो टू मशीनरी अकाउंट कितने रुपए आ गए फोर लाख रुपीज इसका सेकंड इफेक्ट अपन ने दे दिया असिड्स डिस्पोजल अकाउंट में जो अपन ने नया बनाया है ठीक है कितनी तारीख को हुआ तो ये काम फर्स्ट जुलाई टू सेवेंटीन को हुआ लिख देते हैं अब क्या हुआ अब हमने फर्स्ट जुलाई टू को जैसे ही असिड्स दिया तो असीड्स दिया तो हमने क्या करा हमने कैश लिया सामने वाली पार्टी से तो हमने बोला कि हमने असीड्स कितने रुपए में दिया वन लैख सिक्सटी थाउजेंड तो सबसे पहले कैश लिख दो वन लैख सिक्सटी थाउजेंड अब हमने असेड्स को जुलाई तक यूज़ किया तो हमको उस पर क्या चार्ज करना पड़ेगा डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा तो सबसे पहली चीज़ अब आ जाओ अपने डिप्रिसिएशन अकाउंट पर कौन से अकाउंट पे, पे? डिप्रिसिएशन तो अब देख लेते हैं प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन तो जैसे हमने ईयर की बिगनिंग की थी तो हमारा बैलेंस आया था फिफ्टी थाउजेंड अब इस पर क्या चार्ज कर रहे हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करना है तो जल्दी बताइए डिप्रिसिएशन चार्ज कौन सी साइड होगा क्रेडिट साइड पे तो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट कितना चार्ज किया तो आपको पता है ओरिजिनल कॉस्ट जो हमारी थी वो फोर लैख रुपीज थी फोर लैख का कितना परसेंट निकाला टेन परसेंट और वन अपॉइंट टू कर दिया तो हाफ टाइम के लिए हो गया यानी फोर लेख का टेन परसेंट होता है फोर्टी थाउजेंड तो आधे साल के लिए हाफ ईयर के लिए कितना लग जाता है ट्वेंटी थाउजेंड ये अपन ने लिख दिया दैट्स इट इतना ही अकाउंटिंग अभी अपन ने करा फिर अपन को पता पड़ा अपन तो इसको दे रहे हैं तो जैसे ही इसको देंगे तो आपको पता है कि डेप्रिसिएशन भी अब क्या होने वाला है रिड्यूस क्योंकि वो काम में जाने वाला है असेड्स डिस्पोजल जैसे मशीनरी का रिड्यूस होता है क्रेडिट में वैसे ही प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कम होने वाला है डेबिट में ठीक है ये ध्यान रखिएगा तो टू असेड्स डिस्पोजल अकाउंट अब यहाँ पे असीड्स डिस्पोजल में ये याद रखिए कि उस असड्स पे आपने कितनी बार डिप्रिसिएशन लगा तो देखिए सबसे पहले कितने का डिप्रिसिएशन लगा उस असीड्स पे फोर्टी थाउजेंड का अभी कितने का लगा ट्वेंटी थाउजेंड का यानी टोटल डिप्रिसिएशन कितना चार्ज हो गया सिक्सटी थाउजेंड तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास मैं इंटरनली लिख रही हूँ फोर्टी थाउजेंड बिगिनिंग के अंदर और टेन थाउजेंड करेंट ईयर के अंदर ये प्रीवियस ईयर करंट ईयर सॉरी ट्वेंटी थाउजेंड है ना मैंने टेन लिख दिया गलती से

टिल डेट ऑफ सेल होता है यानी डेट उस डेट तक जब तक अपन ने सेल नहीं कर रखा उस तक का डेप्रिसिएशन अपन ने क्रेडिट कर दिया अब अपन को समझ में आ रहा है कि अच्छा फोर लैख का असेड्स था इस पर डेप्रिसिएशन लगाया सिक्सटी थाउजेंड यानी कि अल्टीमेटली अपन को मिलने चाहिए कितने रुपए थ्री लैख सिक्सटी थाउजेंड कितने मिलने चाहिए थ्री लैख सॉरी थ्री लैख फोर्टी थाउजेंड मिलना चाहिए बट सामने वाला इंसान अपन को वन लैख सिक्सटी थाउजेंड ही दे रहा है कितने दे रहा है वन लैख सिक्सटी थाउजेंड यानी अपन को लॉस कितने का हो रहा है वन लैख एटी थाउजेंड का तो ये हमारे लिए आ गया सीधे सीधे बोल दें कि बैलेंसिंग फिगर क्या हो गया बैलेंसिंग फिगर आप चाहो तो डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हो कि डेबिट की टोटल फोर लाख रुपीस क्रेडिट की टोटल वन सिक्सटी प्लस सिक्सटी टू ट्वेंटी तो बैलेंसिंग फिगर वन सिक्सटी वन एटी आ जाता है या आप दिमाग भी चला सकते हो यानी क्वेश्चन को खुद रीजनिंग से सॉल्व करो तो होता है फोर्ट फोर लैख की एसड्स थी हमको सामने वाला वन लैख सिक्सटी थाउजेंड दे रहा है सिक्सटी का हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं यानी टू ट्वेंटी तक रिकवरी हो जाएगी तो बाकी रिकवरी नहीं हो रही तो नहीं हो रही यानी कि वो क्या हो गया लॉस हो गया तो वन लैख एटी थाउजेंड देट सेट ये अकाउंट उसी डेट पे ओपन होता है और उसी डेट पे क्लोज हो जाता है अब ये जो बैलेंस ये कौन से अकाउंट में चला जाएगा पी एंड एल में दैट्स इट ये क्लोज़ हो जाता है अब साल चलता रहा फिर ईयर एंड आया तो ईयर एंड आया तो, तो अपन ने क्या करा ईयर एंड पे बात करी तो ईयर एंड पे हमको पता है कि हमने इस ट्रांजेक्शन के अलावा और कोई ट्रांजेक्शन नहीं करा असेट्स को लेकर तो मशीनरी अकाउंट में क्या हो जाएगा बाय बैलेंस सी डी बाय बैलेंस सीडी कितने रुपये हो जाता है तो ब्रॉड डाउन क्या होता है सिक्स लैख असीड्स दे दिया फोर लैख रुपीज़ का तो अल्टीमेटली टू लैख रुपीज़ की कॉस्ट प्राइस बच गई हमारे पास असिड्स की ये क्या हो गया मशीनरी अकाउंट में साइमल्टेनियसली हम बात कर सकते हैं किसके बारे में हम बात कर सकते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट के बारे में तो आपको पता है डिप्रिसिएशन अकाउंट आपने जब बनाया था तो आपने उस पर डेप्रीसीन चार्ज किया था ट्वेंटी थाउजेंड और यहाँ पे राइट ऑफ कर दिया था सिक्सटी थाउजेंड डाल दिया था अब जो आधा असड्स आपके पास जो एक और दूसरा अड्स बचा है टू लाख रुपीज़ का उस पर तो डेप्रसीन चार्ज करना पड़ेगा ना तो ईयर एंड पे टू लाख पे डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे टू लाख रुपीज़ का टेन परसेंट वुड अल्टीमेटली गिव्स यू ट्वेंटी थाउजेंड तो ये ट्वेंटी थाउजेंड को क्रेडिट कर दिया अब साइमल्टेनियसली बैलेंस जो हमारे पास बच जाता है वो कितना बच जाता है तो इधर की टोटल करते हैं फिफ्टी सेवेंटी एटी नाइन्टी इधर की टोटल आई सिक्सटी तो अल्टीमेटली बैलेंसिंग फिगर बच गया थर्टी थाउजेंड जो नेक्स्ट ईयर अपन क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं होप यू यूअर इट ये चीज़ आपको समझ में आई होगी बस एक नया सा कॉन्सेप्ट था जिसके अंदर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट के साथ साथ टसेड डिस्पोजल अकाउंट भी बनाना था इसके साथ हमारा चैप्टर जो वो है वो क्लोज हो जाता है थैंक यू